हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम इरेशनल फंक्शन का टाइप टू। टाइप वन हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, वो वीडियो नंबर 11 था, ये वीडियो नंबर 12 होने वाला है। तो इसका फॉर्मेट देख लो बच्चों क्या है। फॉर्मेट है, ऊपर होगा लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी, नीचे होगा डिनोमिनेटर में होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट। इरेशनल में क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये होगा एक्स प्लस बी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये दोनों का वर्किंग रूल सेम है, क्या है वो देखते हैं बच्चों। ये इस बार कटा हुआ है ये फॉर्मेट, ये हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, काट दिया गया है, सीबीएसई ने काट दिया इस फॉर्मेट को। लेकिन मुझे लगता नहीं है क्यों काटा है, क्योंकि दोनों का वर्किंग रूल तो सेम ही है। जब आप ये कर सकते हो तो ये भी आराम से कर सकते हो। बहरहाल देखते हैं, देखो इसका वर्किंग रूल क्या होगा। न्यूमरेटर एक्स प्लस बी को हम लिखेंगे ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस बी, यही फॉर्मेट में करेंगे। इस फॉर्मेट पे एक्सरसाइज 7.4 में हमारे पास 4 या 5 क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल्स, तो हम उस क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो पहला क्वेश्चन है, यही फॉर्मेट यूज करेंगे और इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19 इसी फॉर्मेट पे है। सो दिस इज 6x+7 अपॉन अंडर रूट x-5 x-4, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन का आंसर। सो पहले हमें ये लीनियर मिल गया है, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 6x+7, ये एक्स स्क्वायर हो गया, -9x+20, ये आप खोलना देखना यही आएगा, ठीक है। ये हो गया dx, अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो बच्चों ये सेम फॉर्मेट आ गया, ये वाला फॉर्मेट, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को हम क्या लिखेंगे, सॉरी 6x+7 ये लीनियर हो गया, इसको लिखेंगे a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस बी। तो 6x+7 को हम लिख सकते हैं ए, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x-9+b। अब इसको क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या प्रोसेस है। हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2ax-9a+b इक्वल टू 6x+7, ये था क्वेश्चन हमारा। So, अब देखो क्या करते हैं, हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। तो यहां पे देखते हैं राइट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, तो 2a की वैल्यू जो होगी इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 6, इसके इक्वल होगी, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू निकल गई बड़ी आराम से। अब b की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो इधर वाला जो ये बच गया यानी कि -9a+b, ये इधर जो बच गया उसके बराबर हो गया यानी कि कांस्टेंट के बराबर होगा, दैट इज 7, तो यहां पे इक्वल हम कर देते हैं इसको 7 के। उसके बाद a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहां पर रख देते हैं -9 × 3+b = 7, ये हो गया 27, b की वैल्यू आ गई 7+27, दैट इज 34, ठीक है बच्चों समझ में आया इतना, a और b निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था, हम 6x+7 के जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट यही लिखेंगे क्योंकि 6x+7 की वैल्यू ये है। सो a 2x-9+b से रिप्लेस किया इस वाले पार्ट को, न्यूमरेटर को, और नीचे क्या था, नीचे था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि था x² -9x+20,
ये हमारा क्वेश्चन था, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब करेंगे क्या, देखो प्रोसेस सेम है यहां पे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे प्रोसेस से ही आना है। उसमें करेंगे क्या, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सो इसको i1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं i2, ठीक है। i1 i2 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो i1 की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, i1 क्या था हमारा इंटीग्रेशन, a तो हमने निकाल रखा है 3, ये था i1 3 2x माइनस 9, एक कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x, सॉरी माइनस था 9x प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे, हम टी लेट करेंगे, इसको टी लेट करेंगे, उससे क्या फायदा होगा, अगर इसको टी लेट करोगे ना तो ये dt है, इसको टी लेट किया ये dt है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने क्या लेट कर लिया, t, dt इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx 2x माइनस 9, dt की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 9 dx। सो ये फाइनली हमारा i1 हो गया 3 इंटू इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट टी का इसमें हमेशा यूज होने वाला है, तो ये होगा टू रूट टी, टू रूट टी होता है इसका इंटीग्रेशन। आप ऐसे भी देख सकते हो, इस पावर को हमने ऊपर ले गया ऐसे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर इंक्रीज करेंगे ना, इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये जगह 1/2, 1/2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 ऊपर आ गया और ये रूट टी हो गया, ठीक है। सो फाइनली दिस इज 6 रूट टी की जगह पे हमने क्या डाल दिया, जो हमने लेट किया था, ये लेट किया था ना हमने, ये डाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया i1 की वैल्यू। अब i2 की वैल्यू निकालते हैं, यहां पे स्पेस की कमी है बट कोई नहीं, हो जाएगा इतने में। i2 की वैल्यू निकालते हैं, i2 क्या था, b अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको इंटीग्रेट करना है, b कांस्टेंट है बच्चों, हमें पता है ये b की वैल्यू हमारे पास है 34 है। सो इस वाले प्रोसेस में हम करते क्या थे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो सब्स्टिट्यूशन का टाइप 8 याद है आप लोगों को, ठीक है बच्चों, या फिर इरेशनल का टाइप 1 भी देख सकते हैं, उसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, फिर भी एक बार मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये था हमारा क्वेश्चन ये वाला। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 ही होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, तो ऑलरेडी यहां पे 1 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट पे आएंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 9, इस 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इन द माइंड नॉट ऑन द बोर्ड, यहां पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, उसको दिमाग में करना है, 9/2 हो गया, 9/2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, इतना ही हम माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों, प्लस 20 तो था ही, ये वाला 20 था। सो ये शुरू के ये तीन नंबर परफेक्ट स्क्वायर देंगे, ये नंबर, ये साइन और ये नंबर, सो दिस इज एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस, इसका ओपन कर दिया 81/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, दिस इज 80 माइनस, ये माइनस 1/4 हो गया, सो दिस इज x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो अब i2 क्या हो गया, b की वैल्यू 34 थी, इंटीग्रेट कर देंगे, b को बाहर कर दिया, ये हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इस वाले केस में क्या होता था, लॉग होता था, याद है आप लोगों को इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग x, x ये था प्लस ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी किसको लिखते थे याद है आप लोगों को, इसको लिखते थे एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये किससे बना था, ये बना था इससे, तो ये भी लिख सकते हैं उसके जगह पे 34
लॉग अगर फैक्टराइज करोगे ना तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या था एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक है ये लिख सकते हो। अब आई वन आई टू को ऐड कर देंगे, हमारा ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रब कर दूंगा कि स्पेस मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, सो बच्चों देख लो ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको और इस वाले को दोनों को आपको प्लस कर देना है क्योंकि यहां पे प्लस है, I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, दैट इज द आंसर। बच्चों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखें, मेरे वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा। अगर एक वीडियो स्किप करके आप दूसरे वीडियो को देखते हो तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि मेरा सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। ये 12th नंबर जो वीडियो बनेगा वो 11 से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, तो आप बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखना। सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाओ, आप इंटीग्रेशन चूज करो, उसमें सारे इंटीग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट अभी 7.4 तक हम लोग पहुँचे हैं, होपफुली 7.5 इसके बाद स्टार्ट होगा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, 7.4 के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, सारे क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं। एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन या और जो इनडेफिनिट का जो टाइप खत्म होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप पे कौन कौन से बुक के क्वेश्चंस है और सारे हमारे चैप्टर यहाँ पे कवर होने वाले हैं जितने मैंने टाइप बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से आप लोग टाइप्स देखें। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे आना है। सो बच्चों यहां पे देखो फॉर्मेट यही है, लीनियर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर में है। सो हमारा मेन पहला काम ये है, एक्स प्लस टू को हम लिखेंगे ए, इसका डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यही था, प्लस बी। एक्स प्लस टू को फर्दर हम लिख सकते हैं ए, इसका डिफरेंशिएशन है 4 हो गया, माइनस 2x प्लस बी। अब हमें a और b निकालना है, उससे पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 4a माइनस 2ax प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट इधर क्या है, माइनस 2a, इधर है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। हमने निकाल लिया a, अब जो बच गया इस साइड में यानी कि 4a प्लस बी, वो इस साइड के कांस्टेंट के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सो हम a की वैल्यू यहां पे पुट करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस बी इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जाके इधर ये माइनस का 2 होगा, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। a और b निकाल लिया हमने, सो अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। हम इस वाले पार्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट स्टेप छोड़कर सेकेंड स्टेप से। ध्यान से देखो आप, फर्स्ट ये डैश वाला पे नहीं, जब आपने डिफरेंशिएट कर लिया होगा उससे रिप्लेस करना। सो ये हो जाएगा ए 4 माइनस 2x प्लस बी अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम स्टेप जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, इंडिविजुअल डिवाइड, ए 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए कांस्टेंट है, ए बाहर निकाल लो, 4 माइनस 2x अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बी कांस्टेंट है बाहर निकालो, अलग अलग इंडिविजुअल इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, डीएक्स। अब करेंगे क्या, इसको i1 मानेंगे, इसको i2 मानेंगे, a b तो हमने निकाल ही दिया है। सो i1 को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। I1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2x था, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ये, इसको t लेट करेंगे dt आएगा, अंदर वाली क्वांटिटी को हम क्या करेंगे t लेट करेंगे, तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा,
फोर माइनस टू एक्स, सो ये हमारा जो होगा ये पूरा डी टी हो गया। सो आई वन इज डी टी अपॉन रूट टी, इसका आंसर मैंने बता ही दिया था टू रूट टी आता है, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया टू रूट टी की जगह पर हम लिखेंगे फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यह आया। अब आई टू को सॉल्व करते हैं, आई टू क्या था वन अपॉन अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैंने आप बी की वैल्यू तो हमें पता ही है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहां पे, सॉरी ए भी था ना, तो ए की वैल्यू हमने निकाल रखी थी माइनस वन बाई टू, सो यहां पे आएगा माइनस इंटू में माइनस वन बाई टू, टू टू कैंसिल आउट हो गया ये बचा। अब देखो यहां पे बी की वैल्यू हमने बाहर ले ली, बी कितना था फोर, बी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है फोर। अब इसमें करेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसको अरेंज करते पहले, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, माइनस वन कॉमन निकालेंगे क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट कितना रखना है हमें, वन रखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब एक्स का कोएफिशिएंट वन हो जाता है तो एक्स के कोएफिशिएंट को, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब वन हो जाता है तो एक्स के कोएफिशिएंट को टू से डिवाइड करते हैं। सो इसको अगर टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, टू से डिवाइड करोगे टू आएगा, टू का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, टू का स्क्वायर माइनस कर देंगे। सो स्टार्टिंग तीन जो नंबर होंगे ना, परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये हो गया टू का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस के एंट्री अंदर कराएंगे, फिर माइनस एंट्री अंदर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आपको लास्ट वीडियो देखना और क्लियरली समझ में आएगा क्या कराया मैंने। फोर वन अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं ये अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये था पूरा ये एक्स अपॉन ए, ए कितना हो गया टू। अब दोनों का आंसर क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा फाइनली वो ये आएगा आई वन प्लस आई टू, इंटीग्रेशन क्या होगा आई वन प्लस आई टू। सो बच्चों आई वन की वैल्यू क्या थी, माइनस अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एंड इसके आर्गुमेंट में है तो इसको हम कट नहीं कर सकते, फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू प्लस सी देंगे, इंटीग्रेशन साइन जितने भी हो हटेगा तो सी आएगा। लास्ट क्वेश्चन में शायद सी छोड़ दिया था क्योंकि वो प्लस करना था, उस प्लस करने के बाद दिखाते तो एक सी देते हैं, इंटीग्रेशन साइन हटता है तो क्या आता है सी आता है, इसलिए। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन बच्चों, देखो आप लोगों को समझ में आई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सिमिलरली आप लोग कर सकते हो, हम लोग 23 देखते हैं, यही चार क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, फाइव एक्स प्लस थ्री, अच्छा बोर्ड गीला है, एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन, ये है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सेम कॉन्सेप्ट, फाइव एक्स प्लस थ्री को हम लिखेंगे ए, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन प्लस बी, फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए, ये हो गया टू एक्स प्लस फोर प्लस बी। अब इसको ओपन कर दो, टू ए एक्स प्लस फोर ए प्लस बी इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस थ्री। सो बच्चों एक्स का इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है टू ए, इधर एक्स का है फाइव, तो ए की वैल्यू होगी फाइव बाई टू। सिमिलरली ये जो बच गया फोर ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारे थ्री के इक्वल, कॉन्स्टेंट के इक्वल। अब ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ये टू हो गया तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेवन, ठीक है बच्चों समझ में आया, ये टेन हो गया, टेन उधर जाकर माइनस हो गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे
5x plus 3 को इससे रिप्लेस करेंगे, ये सेकंड स्टेप वाला बोला था ना, सेकंड स्टेप में जो आएगा उसे रिप्लेस करना है। सो ये हो गया a 2x plus 4 plus b upon under root x square plus 4x plus 10, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यही था ना, 2x plus 4 को इससे डिवाइड करेंगे, x square plus 4x plus 10, b को भी हम इसी से डिवाइड करेंगे, x square plus 4x plus 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसको I1 लेंगे, इसको लेंगे I2। अब I1 I2 की वैल्यू हम अलग अलग निकाल के यहां पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो I1 को हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, A की वैल्यू तो हमने निकाल रखी थी, उसको हम लिख लेंगे 2x plus 4, ये हो गया अंडर रूट x square plus 4x plus 10। इसमें प्रोसेस पता ही आप लोगों को, इसको हम t लेट करते हैं, तो इसको t लेट करते हैं, x square plus 4x प्लस 10 को हम t लेट करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x plus 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा डी टी हो गया। a की वैल्यू अब रिप्लेस कर देते हैं, i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज 5 बाई 2 आया था हमने निकाला था, ये हो गया डी टी अपॉन रूट टी, तो आपको पता ही है इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 बाई रूट टी का 2 रूट टी, 2 2 कट गया, ये हो गया 5 रूट टी कितना था, टी इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये था हमारा आई वन। अब आई टू निकालते हैं, आई टू ये था, b बाहर कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। बच्चों आपको पता ही है इसको कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब ऊपर न्यूमरेटर हो नीचे डिनोमेटर रूट के अंदर में हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में हम बनाते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। b की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है -7, और ये फाइनली बन जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, उसका प्रोसेस क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 है। अब x के कोएफिशिएंट पे काम बात करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, 4, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 2, जितना आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे इतना ही माइनस कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे, ये शुरू के 3 जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर देंगे। नंबर कैसे लेना है, ये नंबर, ये वाला साइन हमेशा, और ये वाला नंबर, ठीक है, और 10 माइनस 4 6 हो गया। सो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में दोनों को हमें रूट सिक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई टू क्या हो गया वो ध्यान से देखो, -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का होल स्क्वायर। सो बच्चों आप लोग, मुझे आई होप आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता ही होगा, इसमें आता है लॉग। सो -7 लॉग एक्स, एक्स ये वाला पार्ट हो गया, प्लस ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी बोले तो ये वाली पूरी क्वांटिटी, या इसको सॉल्व कर लेना वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, मॉड के अंदर में रहेगा, ठीक है। अब i1 i2 का आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i1 प्लस i2, ये हो गया हमारा आंसर। i1 कितना था, 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7, क्योंकि ये माइनस में था, लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस ये पूरी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे बुक में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 23, क्वेश्चन 19, 20, 21 एंड 23, और एग्जाम्पल भी 2 क्वेश्चन है शायद इस पे, आप उसको देख लेना। मैंने इस क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये बहुत ईजी है, इसी फॉर्मेट पे आप कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें।